हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ऑल एग्ज़ाम प्रिपरेशन। तो फ्रेंड्स, पहली बात तो मैं इतनी वीडियो इसलिए आया था, अभी 3-4 दिन से मेरी वीडियो इसलिए नहीं है क्योंकि मैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पे वर्क कर रहा था, ठीक है। सो मैं जो आज पूरा कंप्लीट एक्टिव पैसिव लेके आया हूँ, ठीक है। सो जिन्होंने भी अभी तक जिनको एक्टिव पैसिव में दिक्कत आती है, ठीक है, प्रॉब्लम आ रही है, जिनको भी आता है फिर भी आप रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से कर लें तो आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। सो टाइम लग गया था इसलिए वीडियो में, तो मैं पूरा कंप्लीट एक्टिव पैसिव लाया हूँ, तो उसे मेरे को पीटी बनाने में टाइम लग गया था, ठीक है। सो अपने पहले डिस्कस करेंगे पूरा, ठीक है। एक्टिव पैसिव जीरो से लेकर बिल्कुल हाई लेवल तक, हाई लेवल मतलब कि जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑरिएंटेड से बिल्कुल इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। सो ये जैसा कि आपको पता है कि आपका प्रीवियस ईयर पेपर में आए एक्टिव पैसिव करोल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके प्रीवियस ईयर में तो आता ही आता है हमेशा एक्टिव पैसिव, चाहे अदर एग्जाम हो, जितने भी एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, तो एक्टिव पैसिव डायरेक्ट नेट ये सब आते ही हैं। डायरेक्ट नेट तो मैंने आपको करा दिया ही है, ठीक है। जिन्होंने नहीं जाके देखा है प्लीज़ जाके देख लें, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है टॉपिक, तो प्लीज़ आप डायरेक्ट नेट पूरा कवर कर लें, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। जो आज वो एक्टिव पैसिव है और ये प्रीवियस ईयर पेपर भी डिस्कस करेंगे, पहले मैं पूरा बेसिक करा देता हूँ, पूरा बेसिक से लेकर जितना एक्टिव पैसिव पूछा जाता है एग्जाम में, फिर अपने पेपर करेंगे, ऑफिशियल पेपर है बार का जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। फिर सारे क्वेश्चंस करेंगे जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं बार में, ठीक है। सो स्टार्ट करने से प्लीज़ मैं आपको एक ही बात कहूँगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, लाइक जरूर करना प्लीज़ फ्रेंड्स। इस पीडीएफ में, इस एक्टिव पैसिव टॉपिक में मेरे को बहुत मेहनत लगी है, ठीक है। सो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, ज़्यादा लंबा भी नहीं होगा, ठीक है। बस इतना होगा कि आपके पूरा एक्टिव पैसिव आपको क्लियर हो जाएगा। जिनको भी अभी बिल्कुल नहीं आता एक्टिव पैसिव, वो ये वीडियो देख लेना, मैं आपको अश्योर करता हूँ कि आपको पूरा एक्टिव पैसिव आ जाए, कंप्लीट एक्टिव पैसिव है ये, ठीक है। और सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही है, हर एग्जाम में आता ही है और अपने पेपर भी करेंगे डिस्कस, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या होता है ये, देखो ये करेंगे पहले पेपर, पहले ये कर लेते हैं, करते हैं। देखो बेसिक्स देख लो एक्टिव पैसिव के, देखो हाँ देखो ये एक्टिव है, ये पैसिव है, ठीक है। अब देखो क्या क्या ये देखो ये क्या है, अभी हम ये तो मैंने आपको, ये तो आपको पता है ना, बताने की जरूरत नहीं कि आईवी क्या होता है, ये फर्स्ट पर्सन में आते हैं आईवी, ठीक है। और यू जो है वो किस में आता है, सेकंड पर्सन में आता है। और जो ही शीट दे वो किस में आता है, थर्ड पर्सन में आता है, ये तो सबको पता ही है, ठीक है। तो जितनी भी ये चीज़ एक्टिव में है, अगर ये पैसिव में कन्वर्ट होगी तो आई मी में हो जाएगा, वी अस में हो जाएगा, यू यू में हो जाएगा, मतलब यू यू में रहेगा, एज इट इज़ दे देम में हो जाएगा, इट इट में एज इट इज़ रहेगा, एंड ही इज़ कन्वर्टेड इन टू हिम एंड शी हर में हो जाएगा। पहला बेसिक तो ये है, क्या मतलब है कि जब भी आपको कोई सेंटेंस एक्टिव में दिखा, अगर आप उसको पैसिव में कन्वर्ट करना है तो आई विल बी कन्वर्टेड इनटू मी, आई कन्वर्ट हो जाएगा मी में, ठीक है। वी हो जाएगा अस में, यू तो यू में रहेगा, दे देम में हो जाएगा, इट में रहेगा, ही हिम में हो जाएगा, शी हर में हो जाएगा, ठीक है। और मैंने आपको बताया आई वी फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, और ही शी दे थर्ड पर्सन है, ठीक है। बेसिक्स मैंने बता दिया कि ये हो गया एक्टिव पैसिव का, ये बेसिक रूल है कि ये कन्वर्ट ऐसे करना है आपको, आई मी में करना है, ठीक है। देखो आगे देखते हैं, देखो अब एक्टिव पैसिव स्टार्ट हो चुका है। देखो पहला स्ट्रक्चर देखो, मैं आपको प्लीज़ कह रहा हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करना फ्रेंड्स, इसमें बहुत मेहनत लगी है, इसलिए मैं लेट लाया हूँ वीडियो, ताकि आपको कोई दिक्कत ना है, पूरा एक्टिव पैसिव आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो आप खुद देखना कि ये पेपर, ये एक्टिव पैसिव करने के बाद आप खुद कहोगे कि आपको सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और प्रीवियस ईयर पेपर जो आपको बार्क में आया था वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो अब जल्दी जल्दी करते हैं। देखो स्ट्रक्चर देखो, पहला देखो सब्जेक्ट प्लस वर्क की फर्स्ट फॉर्म एस सी आई एस प्लस ऑब्जेक्ट है, अगर ये सिंपल प्रेजेंट है, ठीक है, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, इज एम आर प्लस वर्क की थर्ड फॉर्म, ये सिंपल है। मैं आपको पहले वो बताता हूँ, स्ट्रक्चर बताता हूँ, फिर अपने एग्जांपल करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेकंड देखें, सब्जेक्ट या डू और डज या नॉट प्लस वर्क की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा, तो ऑब्जेक्ट पहले आएगा, इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्क की थर्ड फॉर्म, ठीक है। मैं आपको पहले बताता हूँ कि देखो डायरेक्ट इंडायरेक्ट लेना इसमें तो क्या आपको कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है, जंप भी लेना पड़ता है, लेते हैं ना, मैं आपको बताया वो बेसिक्स में, आपको सब बताया, आप जिन्होंने नहीं देखा जाके देखें। तो इसमें क्या करते हैं कि पास्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें इज है तो इसमें ही रहेगा, बस वर्क की थर्ड फॉर्म आ जाती है, आप कन्फ्यूज मत होना, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है ना। अभी देखो थर्ड सेंटेंस क्या है, ये डज है क्वेश्चन फॉर्म में, तो डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्क की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है, तो इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्क की थर्ड फॉर्म प्लस बाय। देखो ये तो आपको पता है कि पैसिव में जब भी होगा तो बाय जरूर होगा उसके अंदर, ठीक है, ये पता लगाने का है कि जब भी कोई सेंटेंस पैसिव में होगा तो बाय जरूर आएगा, ठीक है, तो ये आपको पहले याद रखना है, ठीक है, बाय प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, हो गया। ये अब स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर है, तो आप ये ध्यान रखना, बाकी एग्जाम्पल कराऊंगा तो आपको, तो मैंने लिख दिया था कि आपको कोई दिक्कत ना है, ठीक है, बाकी एग्जाम्पल करेंगे तो अभी क्लियर हो जाएगा सब। देखो एग्जाम्पल देखो, देखो सी शी सिंग्स अ सॉन्ग,
शी सिंग्स अ सॉन्ग, अ सॉन्ग इज संग बाय हर. देखो ये जो पहला है शी सब्जेक्ट हो गया, सिंग्स वर्ब हो गया, ठीक है, अ सॉन्ग ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है. शी तो सब्जेक्ट हो गया और सिंग्स, और सिंग्स क्या हो गया वर्ब हो गया, और सॉन्ग क्या होगा, अ सॉन्ग ऑब्जेक्ट हो गया. तो ऑब्जेक्ट पहले आएगा, तो ऑब्जेक्ट क्या है, अ सॉन्ग, ठीक है, और इज एम आर वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, तो इज एम आर इज आ गया संग बाय प्लस ऑब्जेक्ट, देखो मतलब सब्जेक्ट, समझ में आ गया. वापिस बताता हूँ आपको, पूरा बेसिक बताऊंगा ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी. देखो जैसे शी सिंग्स अ सॉन्ग, शी सिंग्स अ सॉन्ग, तो पैसिव में जब कन्वर्ट करेंगे तो पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो ऑब्जेक्ट क्या है, ए सॉन्ग है, अ सॉन्ग पहले आ गया, ऑब्जेक्ट पहले आ गया, इज एम आर इज आ गया, एम आएगा आर आएगा जो भी लगा सकते हो, ठीक है, वो जैसे सेंटेंस पे डिपेंड करता है. इज एम आर हो गया प्लस इट संग वर्क, जैसे इज एम आर प्लस वर्क तो आएगा ही आएगा, प्लस बाय, बाय यहाँ पर है और प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा हर, ठीक है, और थर्ड फॉर्म तो आएगी आएगी, जैसे मैंने आपको बताया ना इज एम आर प्लस वर्क की थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या आती है सॉन्ग की, संग होती है, तो सॉन्ग इज संग बाय हर, ठीक है. जैसे दूसरा देखो, शी डजंट राइट अ लेटर, शी डज नॉट राइट अ लेटर, अ लेटर इज नॉट रिटन बाय हर, अ लेटर इज नॉट रिटन बाय हर, क्यों, क्योंकि अ लेटर क्या ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट पहले आ गया, इज एम आर तो आएगा आएगा, नॉट तो ही वर्ग थर्ड फॉर्म रिटर्न होगी, वर्ग थर्ड फॉर्म राइट की फॉर्म, वर्ग थर्ड फॉर्म क्या होती है रिटर्न होती है, बाय हर, बाय आएगा और ऑब्जेक्ट आ गया, सदमा आ गया. आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है. अगला देखो, डज शी राइट अ लेटर, ये भी बेसिक्स हैं, आपके अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन आएंगे. डज शी राइट अ लेटर हो गया, तो इज अ लेटर रिटन बाय हर, जैसे मैंने आपको बताया कि डज से स्टार्ट होगा, तो इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ग थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, तो ऐसे इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ग थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, आ गया समझ में, समझ में आ रहा है ना आपको. और ये तो मैंने आपको बताया कि अब आप ये मत पूछना कि सर ये हर और ये मैंने आपको बता दिया, देखो कैसे कन्वर्ट हो रहा है, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया हुआ है कि शी इज कन्वर्टेड इनटू, शी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हर में हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, शी कन्वर्टेड ही हिम में हो जाएगा. अब देखो वहाँ पे शी आया था तो हर में कन्वर्ट हो गया, शी आया हर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, तो शी आ गया हर में कन्वर्ट हो गया, ये तो समझ आ गया ना, ही आ जाएगा तो हिम में हो जाएगा, उसमें आपको बता दिया है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, कन्वर्ट करना है ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट होता है ना ये, जैसे मैं आपको बता देता हूँ आपको कि जैसे ये ना ये जितनी भी चीज़ें सब्जेक्टेड के सब्जेक्टेड है, सब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव किस क्या होगा इनका, ये वो है, आई मी हो जाएगा, वी एस हो जाएगा पैसिव फॉर्म में, यू यू रहेगा एज इट इज, ही हिम हो जाएगा, शी हर हो जाएगा, इट इट एज इट इज रहेगा, दे देम हो जाएगी, ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस पैसिव फॉर्म में जब कन्वर्ट करना है, और ये सब्जेक्टिव केस है, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया, सब्जेक्टिव केस है, ठीक है. हाँ तो ये समझ में आ रहा होगा कि पूरे एग्जांपल क्लियर हो गए होंगे. देखो ये देखो, व्हाई डज शी नॉट राइट अ लेटर, व्हाई इज अ लेटर नॉट रिटन बाय हर, वही वाली बात, वर्ग की थर्ड फॉर्म आएगी, बाय आएगा, ठीक है, पैसिव में, और ऑब्जेक्ट आएगा, हर हो जाएगा, शी है तो हर हो जाएगा. व्हाई इज अ लेटर इज नॉट रिटन बाय हर, व्हाई व्हाई इज इट इज, और इज एम आर पहले आता है, ये मैं सब आपको बताया, समझ में आ गया पूरा. चले आगे, अगला देखते हैं. अब देखो ये तो आपका अब सेंटेंस हो गया, अब क्या आएंगे, ये सिंपल सेंटेंस है. अब देखो प्रेजेंट कंटिन्यू पास कंटिन्यू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास परफेक्ट टेंस पे डिस्कस करेंगे, ठीक है. देखो स्ट्रक्चर देख लो पहले, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वॉज वर्ग प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, जैसे मैं आपको बताया इज एम आर वॉज वर्ग प्लस बींग. देखो फ्रेंड्स, जब भी वर्ग की आई एन जी आएगी, जब भी वर्ग की आई एन जी आएगी तो पैसिव फॉर्म में क्या हो जाएगा, बींग हो जाएगा, ये याद रखना. जब भी वर्ग की आई एन जी आपको सेंटेंस में दिख गई तो आपको उसी वक्त क्या कर देना है, बींग में कन्वर्ट कर देना है, पैसिव में बींग आ जाएगा, वर्ग थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है. अब ये क्या, ये अब देखो ये तो आपको पता है ना कि प्रेजेंट कंटिन्यू क्यों आता है, वर्ग की आई एन जी मतलब प्रेजेंट कंटिन्यू का मतलब पता है ना आपको कि इज एम आर आई एन जी आ जाती है, और पास कंटिन्यू क्या होता है, वाज वर आई एन जी आ जाती है, और प्रेजेंट परफेक्ट होता है, जी प्रेजेंट परफेक्ट में ही है पूरा, तो प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, हैज हैव, ये प्रेजेंट परफेक्ट ही हुआ, और पास परफेक्ट क्या होता है, हैड होता है, ये तो बताने की जरूरत नहीं है आपको, टेंस तो आपको आते ही है, ठीक है, तो ये तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये तो आपको आता ही होगा, ठीक है. सो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू है तो हैड होता है, ये तो आपको पता है ना, हैड प्लस वर्ग की थर्ड फॉर्म, और प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, देखो प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज या है वर्ग की थर्ड फॉर्म होती है, पास्ट परफेक्ट है तो हैड की वर्ग थर्ड फॉर्म होती है, प्रेजेंट कंटिन्यू तो वर्ग की आईएनजी आएगी इज एम आर, और पास्ट है तो वाज वर वर्ग की आईएनजी, ये तो आपको पता होगा, प्रेजेंट कंटिन्यू पास्ट, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, एक बार थोड़ा क्लियर कर देता हूँ. देखो
तो पहला हो गया आपका स्ट्रक्चर, दूसरा देखो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव या हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो गया, तो ऑब्जेक्ट पहले आएगा, हैज या हैव हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो अगर आपको कोई भी एग्जांपल में, जैसे मैंने आपको बताया वर्ब की आईएनजी दिख गई, वर्ब की आईएनजी दिख गई तो आपको बीइंग में कन्वर्ट कर देना है उसको पैसिव में, समझ में आ गया। अगर आपको हैज या हैव या हैड दिख गया तो आपको जस्ट बीन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे तो बीइंग करे तो क्योंकि आईएनजी है, तो कैसे याद कर लो आईएनजी आ गया तो बीइंग होगा, बी आईएनजी हो गया। बट यहाँ पे क्या है, ये क्या प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में तो आपको बीन में कन्वर्ट कर देना है, बाकी एज तो एज इट रहेगा, वर्क थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट तो एज इट इज रहेगा, बीन में आ जाएगा, यहाँ पे बीन आ जाएगा, ठीक है। अगला देखो इज एम आर प्लस वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्क की आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट हो गया, इज एम आर प्लस वाज वर्ब ये क्वेश्चन टैग में क्वेश्चन की फॉर्म में हो गया, ठीक है। वाज वर्ब इज एम आर पहले आ जाएगा, वाज वर्ब ये ऑब्जेक्ट फिर बी प्लस बीइंग तो आएगा क्योंकि आईएनजी है प्लस वर्क थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। देखो अभी इसका एग्जांपल देखो, बाकी ऊपर का एग्जांपल बताऊंगा। देखो वाज शी राइटिंग अ लेटर, ये क्या सिंपल प्रेजेंट में है, नहीं सॉरी सिंपल पास्ट में ही है, मतलब सिंपल पास्ट है मतलब ये पास्ट कंटिन्यू में है, पास्ट कंटिन्यू में हो रहा है सेंटेंस पूरा, क्यों, क्योंकि ये वाज पास्ट है और ये आईएनजी आ गई तो पास्ट कंटिन्यू, ये तो आपको पता होगा, ठीक है। तो वाज शी राइटिंग अ लेटर है तो क्या होगा, वाज अ लेटर, वाज ये रहा और लेटर ऑब्जेक्ट हो गया, वाज अ लेटर बीइंग आ गया यहाँ पर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। देखो वापस बताता हूँ, देखो वाज शी राइटिंग अ लेटर है, ठीक है, वाज शी राइटिंग लेटर तो इज एम आर वाज वर्ब तो आएगा ही आएगा, तो वाज लगा दिया मैंने, वाज वाज हो गया, अ लेटर ऑब्जेक्ट हो गया तो ऑब्जेक्ट आ गया, वाज अ लेटर बीइंग तो आएगा ही आएगा, क्यों आएगा, बिकॉज आईएनजी है, मैंने आपको बताया जब भी आईएनजी दिख गई तो आपको बीइंग लगाना है, ठीक है। एक्टिव पैसिव में आपको आईएनजी दिखी तो बीइंग लगा देना है, बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न होती है राइट की, ठीक है, और बाय तो आएगा आएगा, सब्जेक्ट क्या होता है मतलब सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। और ये मैं वापस नहीं बताऊंगा, मैंने आपको बताया शी आ गया तो किस में कन्वर्ट होगा, शी हर में होगा तब यहाँ पर हर आया है, ठीक है, समझ में आ गया। तो वाज अ लेटर बीइंग रिटन बाय हर, ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, ये सारे स्ट्रक्चर थे, एग्जांपल करेंगे तो आपको वापस क्लियर हो जाएगा, अच्छी तरह पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप सेशन पसंद है तो लाइक कर देना, बहुत मेहनत लगी फ्रेंड इसमें वीडियो में, ठीक है, तो इसलिए मैं थोड़ा लेट लाया था, तो मैं इस पर काम कर रहा था ताकि आपके आगे से कभी कोई भी एग्जाम होगा, ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, ठीक है, कोई भी एग्जाम होगा आपका, क्योंकि वैसे मैं आपको पूरा करा दूंगा यहाँ पर, ठीक है, पूरा, तो समझ में आ गया, ये वाज अ लेटर बीइंग रिटन बाय हर। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ अब देखो ये एग्जांपल्स हैं, जैसे ये स्ट्रक्चर है तो एग्जांपल है, ये स्ट्रक्चर था तो ये एग्जांपल था, ठीक है, पूरा आपको कराऊंगा मैं। देखो दे आर सिंगिंग अ सॉन्ग, दे आर सिंगिंग अ सॉन्ग, तो ये क्या है सेंटेंस किस में, ये पता होना चाहिए पहले आपको, प्रेजेंट कंटिन्यू में, प्रेजेंट कंटिन्यू में आईएनजी है प्रेजेंट कंटिन्यू, तो अ सॉन्ग ऑब्जेक्ट आ गया, अ सॉन्ग जैसे मैं आपको बता ऑब्जेक्ट आ गया, इज एम आर बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, तो अ सॉन्ग इज बीइंग, इज एम आर आ गया, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग क्योंकि सिंगिंग आ गया, बीइंग संग बाय देम, जैसे बीइंग आ गया वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी सॉन्ग की संग बाय देम, बाय प्लस ऑब्जेक्ट मतलब बाय सॉरी बाय प्लस सब्जेक्ट, और ये मेरे को पता देम क्या हुआ, बिकॉज यहाँ पे दे है, ठीक है, दे देम में होता है, इसलिए मैंने आपको पहले स्लाइड में करा दिया था क्या किस में कन्वर्ट होता है, दे देम में हो गया, आई मी में होता है, वी एस में होता है, ठीक है, तो ये मत पूछना अब दे है तो दे में कन्वर्ट हो जाएगा देम में, समझ में आ गया, तो सब्जेक्ट आ देगा, ओके, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट है तो यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएगा बाय प्लस सब्जेक्ट, तो क्या हो गया ये अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय देम, ठीक है। अगला देखो शी हैज नॉट बॉट अ नोवल, शी हैज नॉट बॉट अ नोवल, नोवेल, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, अ नोवेल हैज नॉट बीन, मैंने आपको बताया जब भी प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट में दिख जाए आपको सेंटेंस, जैसे मैंने आपको बताया ना यहाँ पर, जैसे मैंने बताया ना कि यहाँ पे क्या दिख जाए, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दिख जाए, पास्ट परफेक्ट टेंस में दिख जाए तो बीन लगा देना, तो यहाँ पे लगा दो, अ नोवेल हैज नॉट बीन बॉट बाय हर, शी हर में होता है आपको पता है, बाय आ गया, सब्जेक्ट आ गया, ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट बीन आ गया, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या अनोवल है, हैज या हैव जो भी आएगा वहाँ पर, ठीक है, ये ये प्रेजेंट परफेक्ट में है, ठीक है, तो हैज आ गया, पास्ट परफेक्ट में होता तो हैड आ जाता, ओके, क्लियर हो रहा होगा आपको, तो अनोवल हैज नॉट बीन बॉट बाय हर, ओके, बीन आएगा क्योंकि मैंने आपको बताया स्ट्रक्चर याद रखना कि जब भी हैज या हैव या हैड मतलब प्रेजेंट
परफेक्ट टेंस में आ जाए, पास्ट परफेक्ट टेंस में आ जाए तो बीइंग का यूज करेंगे, आईएनजी आए तो बीइंग आ जाएगा आईएनजी वाला। ओके अगला देखते हैं, राम डिडंट सिंग अ सॉन्ग, राम डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग, तो अ सॉन्ग वॉज नॉट संग बाय राम। ओके अ सॉन्ग वॉज नॉट संग बाय राम, क्यों? क्योंकि डिड है तो पास्ट में सेंटेंस है तो वॉज आ जाएगा, वॉज नॉट संग वर्ग थर्ड फॉर्म आ जाएगी। ओके बाय प्लस सब्जेक्ट तो हो ही जाएगा, सब्जेक्ट क्या है? राम है। ओके समझ में आ गया। अगला देखते हैं, हैज शी बॉट अ नोवेल, हैज शी बॉट अ नोवेल, तो हैज अ नोवेल, हैज अ नोवेल बीन बॉट बाय हर, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हैज आ गया मतलब हैज बॉट आ गया, इट मीन्स इट इज इन किसमें फॉर्म में है? ये प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म में है तो बीन का यूज करेंगे तो बीन आ गया, बॉट बाय हर वही सेंटेंस है, हैज ऑब्जेक्ट आ गया पहले, देखो ऑब्जेक्ट आ गया, क्योंकि अब देखो अब ये मत पूछना, देखो यहाँ पे ये क्या क्वेश्चन फॉर्म में है, क्वेश्चन टैग है ना ये, क्वेश्चन टैग, देखो क्लियर कर देता हूँ, अब ये गलती मत करना, देखो ये क्वेश्चन फॉर्म में है तो क्वेश्चन में आपको पता है कि इज एम आर वॉज वर या हैज हैव जो भी है ये पहले आ जाता है ना, तो यहाँ पे इसलिए हैज पहले आया, ये मतलब तो पहले क्यों आया है सर, आपने यहाँ पे बाद में आता है इसको कि ये क्वेश्चन फॉर्म में है, और क्वेश्चन फॉर्म में बताओ तो इज एम आर वॉज वर क्वेश्चन फॉर्म में, तो क्वेश्चन तो ऐसे ही पूछते हैं ना, ठीक है तो ये जितनी भी है ये पहले आ जाएगा। ओके इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है ना, ये हेल्पिंग वर्ब होती है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा? पहले आ जाएगा इसके अंदर, तो हैज एन ओवल ऑब्जेक्ट आएगा यहाँ पर, जैसे यहाँ पे बताया मैंने ऑब्जेक्ट आएगा यहाँ पर, बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पर क्या है ये हैज बॉट है तो बीन आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है बॉट बाय हर। ओके समझ में आ रहा होगा, एक एग्जाम्पल आपको कराया है, फिर भी कोई दिक्कत आप मेरे को लगता है आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप बार बार इस वीडियो को देखना आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैंने एक एक चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ अच्छी तरह एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है तो समझ में आ गया होगा आपको कि ओवरऑल आपको क्या कंक्लूजन क्या निकला है इसमें, आज बता देता हूँ कि देखो जब भी आपके पास वर्ग की आई दिख जाए आपको, तो आपको पहले तो बींग दिखना चाहिए आपको सेंटेंस में, पैसिव फॉर्म में बींग आ जाएगा वहाँ पर, और वर्ग के थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट होगा, ये स्ट्रक्चर तो होता ही होता है, ठीक है जब भी आपको हैज या हैव हैड दिख गया तो बीन लगा देना आप बिना सोचे समझे, बीन आ जाएगा वहाँ पर, क्वेश्चन टैग में तो पहले हेल्पिंग वर्ब तो आएगी आएगी, ठीक है इज एम आर हेल्पिंग वर्ब आएगी प्लस ऑब्जेक्ट होगा प्लस वर्ग की आई तो बींग लगा देना, और आई जी ना हो अगर हैज हैव हैड हो तो बीन आ जाएगा वहाँ पर, ठीक है और वर्ग थर्ड फॉर्म प्लस बाय सब्जेक्ट हो जाएगा, बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है यहाँ प्लस हो जाएगा बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, देखो अब एग्जांपल देखो, डिड राम सिंग अ सॉन्ग, तो अब क्वेश्चन फॉर्म आ गया तो वॉज अ सॉन्ग संग बाय राम, वॉज अ सॉन्ग संग बाय राम, ठीक है बाय प्लस सब्जेक्ट, वाज शी राइटिंग अ लेटर, तो वही क्वेश्चन फॉर्म में तो वॉज पहले आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, वॉज अ लेटर बींग रिटन बाय हर, वॉज अ लेटर ऑब्जेक्ट आ जाएगा बींग, क्योंकि आई एन जी यहाँ पर बी आई एन जी बींग हो जाएगा आई एन जी है, तो रिटर्न वर्ग की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस क्या हो जाएगा सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है बाय हर। आगे सुन में चले आगे सुन में आ गया, तो क्या अब देखो, राम हैड लेफ्ट द टैप रनिंग, द टैप हैड बीन लेफ्ट रनिंग बाय राम, द टैप हैड बीन लेफ्ट रनिंग, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, ये पास्ट परफेक्ट में सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट में है, तो द टैप ऑब्जेक्ट हो गया, टैप ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, हैड बीन लेफ्ट रनिंग बाय राम, ठीक है राम और बाय आई हैव बीन लेफ्ट क्यों है, बीन क्यों है, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट में है, प्रेजेंट परफेक्ट हो तो बीन का यूज़ करेंगे, ये मैंने आपको बता दिया है। अगला देखो, ये फ्यूचर में आ गया, ही विल हैव फ्यूचर परफेक्ट में, ही विल हैव लैंडेड अ जॉब इन 2020, ही विल अब देखो जितने भी है ना, ही विल हैव लैंडेड अ जॉब इन 2020, तो जॉब ऑब्जेक्ट हो गया, विल हैव बीन क्यों, क्योंकि ये फ्यूचर परफेक्ट में, फ्यूचर परफेक्ट में तो क्या होगा, हैव बीन बीन आ जाएगा, लैंडेड बाय हिम इन 2020, और मैंने आपको क्या बताया हिम क्यों है, क्योंकि ही हिम में होता है, ही हिम में होता है, मैंने आपको बता दिया कन्वर्ट, ठीक है इसलिए मैं आपको कह रहा था कि ये देखो वापस बताता हूँ कि ये भी आपको पता होना चाहिए ना, ये आप ध्यान में रखना, ये ठीक है आई मी में होता है, वी अस में होता है, ठीक है ये ऑब्जेक्ट है सारे, ठीक है कन्वर्ट होता है, पैसिव फॉर्म में इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है ही हिम में होता है। हाँ समझ में आ गया, चले आगे, सेंटेंस हो गए पूरे। अब देखो फ्रेंड्स, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है,
इम्पोर्टेंट कहने का मतलब ये कि ये आपको पता होना चाहिए। देखो देर इज़ नो पैसिव फॉर्म, कुछ ऐसा होते हैं सेंटेंस मतलब स्ट्रक्चर जिनका कोई पैसिव फॉर्म नहीं होता, लाइक वॉट। देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का नहीं होता, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का पैसिव फॉर्म नहीं होता, देर इज नो पैसिव फॉर्म ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का भी नहीं होता, सिमिलरली फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का भी नहीं होता एंड फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। अभी आप कहोगे बताओ सर सेंटेंस, देखो ये तो आपको पता है ना कि थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। देखो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का मतलब क्या होता है, क्या होता है मतलब ये कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू क्या होगा, सब्जेक्ट हैज या हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी होती है, यही तो होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। जैसे शी हैज बीन रीडिंग अ न्यूज़पेपर, मान लो शी हैज बीन रीडिंग, तो हैज बीन रीडिंग आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू हो गया ना, अ न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग, तो इसका कोई पैसिव फॉर्म नहीं होता, देयर इज नो पैसिव फॉर्म ऑफ, समझ गए इनका। लाइक पास्ट परफेक्ट है तो हैड आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट है तो हैड आ जाएगा। जैसे आप क्या बोलोगे शी हैड बीन रीडिंग अ नोवल लगा लेना, जैसे उसमें शी हैज बीन रीडिंग था, ये पास्ट परफेक्ट है तो शी हैड बीन रीडिंग अ नोवल फॉर 2 आवर्स, तो उसका पैसिव फॉर्म नहीं होता। एग्जांपल बता देता हूँ ताकि आपको, आप कहोगे कि सर एग्जांपल तो बताते इसका, तो प्रेजेंट में तो हैज़ या हैव ठीक है बीन हो जाता है, वहाँ पे हैज़ या हैव बीन हो जाता है, वर्ब की आईएनजी आती है, और पास्ट में भी ये होगा। ऐसे आप कह सकते हो शी हैड बीन रीडिंग अ नोवल फॉर 2 आवर्स, शी हैड बीन रीडिंग अ नोवल फॉर 2 आवर्स, ठीक है। सिमिलर फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का भी क्या बोलोगे आप, जैसे आप बोलोगे कि अमन विल हैव बीन वर्किंग इन दैट ऑफिस फॉर 2 ईयर्स, अमन विल हैव बीन, क्यों विल हैव बीन आ गया फ्यूचर परफेक्ट और आईएनजी, फ्यूचर परफेक्ट और आईएनजी आ गई, कंटिन्यू से तो आईएनजी होती है, तो उसका कोई पैसिव फॉर्म नहीं होता। समझ में आ गया, तो ऐसे मैं बता रहा हूँ कि ये सेंटेंस है तो इनका कोई पैसिव फॉर्म नहीं होता, ठीक है। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे दिए तो अब याद रखना, ठीक है। और फ्यूचर कंटिन्यू टेंस का आपको पता ही है, जैसे आप बोल सकते हो शी विल बी डांसिंग, तो इसका कोई फ्यूचर मतलब कोई पैसिव फॉर्म नहीं होता, शी विल बी डांसिंग, ठीक है। सो याद रखना देर इज नो पैसिव फॉर्म ऑफ सच काइंड ऑफ ये स्ट्रक्चर्स, कोई भी पैसिव फॉर्म नहीं होता, ओके। आपको एग्जांपल भी दे दी मैंने, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ देखो जल्दी जल्दी करते हैं, वीडियो लंबा ना हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स। सो डिड यू गिव मी अ नोवल लास्ट वीक, डिड यू गिव मी अ नोवल, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें दो दो एक केस बनते हैं, ठीक है। अब मैं आपका आप खुद देखना कि अभी जैसे वीडियो कर लेंगे ना अपने, फिर आपका ऑफिशियल पेपर करेंगे जो आपके क्वेश्चन आया था बार्क में, ठीक है। आप खुद कहोगे कि सारे क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो डिड यू गिव मी अ नोवल, डिड यू गिव मी अ नोवल लास्ट वीक, तो क्या हो जाएगा, देखो दो सेंटेंस है। अब देखो यहाँ पे क्या दो ऑब्जेक्ट आ गए, मी भी ऑब्जेक्ट है, आ नोवल भी ऑब्जेक्ट है ना, तो क्या हो जाएगा, वाज आई गिवन ए नोवल बाई यू लास्ट वीक, वाज क्वेश्चन, ये क्या है क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन टैग में ना क्वेश्चन फॉर्म में, तो वाज तो मेरे को पता है पहले आ जाएगा, वाज आई गिवन, वाज आई गिवन ए नोवल, पहले तो ये हो जाएगा नोवल बाई यू लास्ट वीक, बाय प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। अब देखो अब दूसरा क्या बन सकता है, पहले तो ये ऑब्जेक्ट लिया मी वाला, अब आ नोवल वाला ले लेंगे, तो वॉज अ नोवल सब ऑब्जेक्ट तो आता ही है, गिवन टू मी बाई यू, गिवन मी तो नहीं सकता, स्लेटू लगा है, गिवन मी, गिवन टू मी बाई यू लास्ट वीक, वही सेंटेंस है वही वाला जो मैं को बताया, देखो जो मैंने कराया ना ये वाला कि इज ए मार वाज ऑब्जेक्ट आ जाएगा, बींग आ जाएगा, वर्क थोड़ा बींग तो वहाँ पे क्यों आएगा, क्योंकि वहाँ पे कोई आंजी है नहीं फॉर्म, इसलिए बींग नहीं आ रहा, ओके समझ। अब देखो अब आपको कि सर इसमें तो दो आंसर, देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका P1 सही है, मतलब पैसिव ये फर्स्ट वाला सेंटेंस सही होगा, ठीक है। अगर दूसरा हुआ पहला नहीं हो तो दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है तो दोनों सही, बट प्रीफर किसको करेंगे, फर्स्ट वाले को करेंगे, ठीक है। तो डिड यू गिव मी अ नोवल लास्ट वीक, तो वाज आई गिवन ए नोवल बाय यू लास्ट वीक, दूसरा क्या हो जाएगा, देखो क्योंकि दो ऑब्जेक्ट है इसमें, दो ऑब्जेक्ट है, तो पहले इस वाले ऑब्जेक्ट को लिया, मी वाले को लिया, और फिर दूसरे वाले में अ नोवल को लिया, तो वाज अ नोवल गिवन टू मी बाय यू लास्ट वीक, ठीक है। सिमिलर दूसरा देख लो सेंटेंस, व्हाई डिड यू नॉट रिटर्न हिज मनी टू हिम, व्हाई डिड यू नॉट रिटर्न हिज मनी टू हिम, तो क्या हो जाएगा, व्हाई वाज, देखो क्या हो जाएगा, हिम ऑब्जेक्ट है, मनी वाला, ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं, तो पहले देख लो व्हाई वाज ही, ही हिम होता है, व्हाई वाज ही नॉट रिटर्न हिज मनी बाय यू, व्हाई वाज ही नॉट रिटर्न, व्हाई वाज ही नॉट रिटर्न हिज मनी बाय यू, और दूसरा मनी को ले लेंगे ऑब्जेक्ट को, है ना, तो क्या हो जाएगा, व्हाई वाज हिज मनी नॉट रिटर्न टू हिम बाय यू, ठीक है। तो ये एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शन कहने का मतलब कि ये सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसके दो दो पैसिव फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो आप बस याद रखना कि जितनी ये जो ई पर्सन्स वाले जैसे मी है, ठीक है, इसको प्रिफर करेंगे एग्जाम में, ठीक है। तो आप यही टिक करके आना, अगर दो ऑप्शन होगा तो पहला वाला ही आंसर होगा, ठीक है, ना कि दूसरा वाला, ओके, ये याद रखना जरूर, ठीक है। पहले वाले को ही प्रेफर करेंगे इन दोनों सेंटेंस में, क्योंकि अब ऐसे ट्रिक याद कर लो कि बस ये जब ये पर्सन्स वाला आएगा ना, ये आई मी और इस टाइप से आ जाते हैं जो भी है, मतलब
पर्सन वाले से ही, जैसे यहाँ पे हिम है, मी आ गया, तो इसको प्रेफर करेंगे, दूसरे वाले को नहीं करेंगे, जो दूसरा ऑब्जेक्ट है हिज मनी नोवल, इसको प्रेफर नहीं करेंगे। ठीक है दोनों सही, ओके समझ में आ गया। ये स्ट्रक्चर तो आपको मैंने ऊपर बताई दिया, तो मैं आपको बार बार स्ट्रक्चर बताऊंगा नहीं, ठीक है। ये आपको पूरा पहले क्लियर कर दिया कि बाय आता है, ठीक है, फिर सब्जेक्ट आ जाता है जो भी सब्जेक्ट दे रखा है, ओके। और पहले ऑप्शन फॉर्म में तो वॉज वर जो भी इज एम आर वॉज और पहले आ जाता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ना चलते हैं। देखो अब ये मॉडल्स में पैसिव ऑफ मॉडल्स, देखो विल की वर्क फर्स्ट फॉर्म आ गई तो पैसिव में क्या होता है, विल बी प्लस वर्क थर्ड फॉर्म हो जाएगी। शॉल वर्क की फर्स्ट फॉर्म है तो शैल बी प्लस वर्क थर्ड फॉर्म, शुड है तो शुड बी वर्क थर्ड फॉर्म, वुड है तो वुड बी हो जाएगा, ठीक है। विल बी में होता है, शैल शैल बी में होता है, शुड शुड बी में होता है, वुड है तो वुड बी में हो जाएगा, ऐसे समझ में आ गया। कैन है तो कैन बी में हो जाएगा, कुड है तो कुड बी में हो जाएगा, मे है तो मे बी में, माइट है तो माइट बी में, मस्ट है तो मस्ट बी में, ऑट टू है तो ऑट टू बी में, ओके ये याद रखना, ऑट टू है तो ऑट टू बी में। तो ये मॉडल्स हैं जो यूज होंगे, देखना, ठीक है। तो विल फर्स्ट टर्म दिख गई तो विल बी कर देंगे उसको, शैल है तो शैल बी, ऐसे नहीं विल वुड में कर देंगे, विल है तो विल बी में, वुड है तो वुड बी में, शैल है तो शैल बी में, एज इट इज रहता है, शुड है तो शुड बी में, बस बी बी लगा देना आप सब में, ओके। तो ये पैसिव मॉडल्स हैं, ठीक है, कन्वर्ट करें। देखो एक एग्जांपल देख लो जल्दी से, ही कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ही कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, पहला ऑब्जेक्ट आता है वो मैं आपको सब बता दिया, ठीक है। तो दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व, कैन आ गया तो कैन बी हो जाएगा, कैन बी सॉल्व बाय हिम, ठीक है, ही हिम में कन्वर्ट होता है, इस सब मैंने आपको बता दिया, तो आप देख लेना स्लाइड में, फिर आप करना क्वेश्चन एग्जाम्पल्स समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय हिम, अगला देखो कैन ही सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कैन ही सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो कैन पहले दिस प्रॉब्लम ऑब्जेक्ट, बी सॉल्व बाय हिम, कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व, ठीक है, कैन है तो बी में होगा, क्यों, क्योंकि मॉडल्स है कैन बी विल बी ऐसे। अगला देखो यू ऑट टू लव योर कंट्री, योर कंट्री ऑट टू बी लव्ड, ऐसे ऑट टू है तो ऑट टू बी लव्ड, तो योर कंट्री ऑट टू बी लव्ड बाय यू, बाय आ गया पैसिव फॉर्म में, ओके, यू यू में रहता है, ये मैंने आपको बताया, ठीक है, यू यू में रहता है, बताया ना मेरे को, तो बाय प्लस हो गया। अब वाई विल यू नॉट आंसर माई क्वेश्चन, वाई विल यू नॉट आंसर माई क्वेश्चन, तो वाई विल माई क्वेश्चन नॉट बी आंसर्ड, वाई विल माई क्वेश्चन, विल बी तो आएगा, वाई विल माई क्वेश्चन, वाई विल तो एज इट इज़ है, ठीक है, क्वेश्चन फॉर्म में है, मैंने आपको बताया कि पहले क्वेश्चन वाला वही डालेंगे स्टार्टिंग का जो एज इट इज़ है, ठीक है, वाई विल ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वाई विल माई क्वेश्चन ऑब्जेक्ट है, नॉट बी आंसर्ड बाय यू, यू यू में रहता है सब्जेक्ट, ठीक है। स्ट्रक्चर आपको बताइए ना, बताया मैंने, बस ऐसे करना है सारे क्वेश्चन, सारे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मॉडल्स है तो कैन बी, शैल है तो शैल बी, शुड है तो शुड बी, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, देखो जैसे ये हु का ये थोड़ा अच्छे कुछ कुछ मैंने सेंटेंस में अच्छे डाले हैं, ठीक है फ्रेंड्स, सो आप याद कर लेना इस सेंटेंस को, ठीक है। देखो हु टॉट यू इंग्लिश, जैसे ये है तो उसके तीनों आंसर हो सकते हैं, बाय हुम वर यू टॉट इंग्लिश, बाय हुम वाज इंग्लिश टॉट टू यू, या हु वर यू टॉट इंग्लिश बाय, ठीक है, तीनों होते हैं, बाकी दोनों ऊपर ज़्यादा प्रेफर करेंगे पहले को, ऐसे जैसे ये देखो पहले को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जैसे बाय हुम है, हु टॉट इंग्लिश बाय हुम वर, क्योंकि यू आएगा तो वर आएगा, वर यू टॉट इंग्लिश, अब इसे यहाँ पे इंग्लिश है, बाय हुम इंग्लिश आ गया तो वॉज आएगा, क्योंकि इंग्लिश तो प्लूरल ही होता है ना, सिंगुलर होता है ना इंग्लिश, यू प्लूरल होता है तो यू के सवर आ गया, अब वो इंग्लिश है तो वॉज आएगा, तो वॉज इंग्लिश टॉट टू यू, ओके, और हु वर यू टॉट इंग्लिश बाय, तो ये याद रख लेना आप, ठीक है, हु टॉट यू इंग्लिश है तो बाय हुम वर यू टॉट इंग्लिश, अगर उसको लेंगे यू को, अगर इंग्लिश को लेंगे तो, जैसे देखो ये चीज़ें तब अराइज होती है जब ऑब्जेक्ट आ जाते हैं ना दो, इस टाइप से कंडीशन अराइज आती है, तो बाय हुम वर यू टॉट इंग्लिश, या बाय हुम वॉज इंग्लिश टॉट टू यू, और हु वर यू टॉट इंग्लिश बाय, ठीक है, याद रखना, आप ज़्यादा आते नहीं है, अगर आ जाए तो आप इस टाइप से कर लेना उसको, ठीक है, पहले यू को ले लेना फिर इंग्लिश को ले लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो सेंटेंस एग्जांपल देख लो, देखो हु इज स्पीकिंग फ्लूट इंग्लिश, देखो मैं तभी आपको करा रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा था मेरे को इसलिए टाइम लगे, क्योंकि मैं एक एक चीज़ करा रहा हूँ आपको, पूरा कंप्लीट करा दूँगा एक्टिव पैसिव, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया, तब एग्जांपल, ये स्ट्रक्चर हो गया एग्जांपल है, देखो हु इज स्पीकिंग फ्लूट इंग्लिश, सो बाय हुम इज फ्लूट इंग्लिश बींग स्पोकन, बाय हुम is fluent English being spoken, ठीक है, by whom आ गया, is fluent English speaking है तो being ing आएगी, मैंने बताया ना ing दिख गई तो being लगा देना, being spoken verb की थर्ड फॉर्म, speak क्या होगी, verb की थर्ड फॉर्म spoken होगी, ओके, by whom। अगला देखो who gave you this book, who gave you this book, तो by whom were you, पहले were you ले लो, ठीक है, were you given this book, by whom was this book, पहले this book ले लो, फिर पहले you ले लो, फिर this book ले लो, तो this book लोगे तो was आ जाएगा, तो by whom singular, इसलिए by whom was this book given to you, और ऊपर वाले में क्या हो जाएगा,
बाय हुम वर यू गिवन दिस बुक, बाय हुम वर यू गिवन दिस बुक, ओके बाय हुम वर यू गिवन दिस बुक, ठीक है यू को ले लेंगे तो वरी हो जाएगा। और हु हैज स्टोलन योर, हु हैज स्टोलन योर कार, तो बाय हुम हैज़ योर कार बीन स्टोलन, हु हैज स्टोलन योर कार, ये भी सेंटेंस आते हैं, प्लीज़ आप ये ढंग से कर लेना, ठीक है जितनी भी हैं ये, तो हु हैज स्टोलन योर कार, तो बाय हुम हैज़ योर कार, हैज़ योर कार ये ऑब्जेक्ट आ गया ना, जैसे मैं आपको बता, ये सब मैंने आपको बता दिया है ठीक है। और ये किस में, प्रेजेंट परफेक्ट में, तो बीन का यूज़ होगा, हैज़ बीन मतलब बाय हुम हैज़ योर कार बीन स्टोलन, वर्क थर्ड फॉर्म आ गई, ठीक है समझ में आ गया ना पूरा, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट में तो बीन आ जाएगा, या आई एन जी है तो वर्क में आई एन जी आ गई मतलब बींग हो जाएगा, ये सब का आपको बता दिया ठीक है मैंने आपको सब, ठीक है तो ये ऐसे होंगे ये सेंटेंस ठीक है। हु इज स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश, बाय हुम से स्टार्ट होगा ठीक है। अब यहाँ पे ये दो दो ऑब्जेक्ट आ गए, तो पहले दिस बुक को ले लेना या पहले यू को ले लेना, तो यू वर, वर यू आ जाएगा गिवन दिस बुक, फिर वाज दिस बुक, ज़्यादा प्रेफर पहले वाले को करेंगे ठीक है। ये जरूर याद रखना, अगर सेंटेंस में दोनों तो फर्स्ट, फर्स्ट इज आंसर, अदरवाइज फर्स्ट नहीं हुआ तो दूसरा तो आंसर हो गई होगा ठीक है। फर्स्ट वाले को ज़्यादा प्रेफर करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में ठीक, जब भी ऐसे आएंगे तो ठीक है। अगला देखते हैं, देखो अभी इन्फिनिटिव वाला का जल्दी करते हैं, इन्फिनिटिव है तो टू की वर्क की फर्स्ट फॉर्म होते हैं इन्फिनिटिव ठीक है। तो याद रखना टू की वर्क फर्स्ट फॉर्म है, तो टू बी प्लस वर्क की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, टू बी प्लस वर्क की थर्ड फॉर्म ठीक है। तो शी इज़ टू राइट अ लेटर, तो लेटर इज़ टू बी रिटन बाय हर, अ लेटर इज़ टू बी रिटन, तो टू राइट आ गया तो इज़ टू बी रिटन हो जाएगा ठीक है। सिमिलरली शी हैड टू राइट अ लेटर, तो अ लेटर हैड टू बी रिटन बाय हर ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर टू टू आया है, टू राइट तो टू बी रिटर्न, टू बी प्लस वर्क की थर्ड फॉर्म आती है, तो टू बी रिटर्न बाय हर ओके। ऑब्जेक्ट पहले आता ही है सब में, जैसे यहाँ ऑब्जेक्ट है तो पहले ऑब्जेक्ट आ गया, शीहर में कन्वर्ट होता है, ये मैंने आपको सब बता दिया, शीहर में होता है, बाय आते ही आता है ओके। पूरा कंप्लीट किया, बाय प्लस सब्जेक्ट, वो सब वही स्ट्रक्चर लगेगा सब में ठीक है। तो हैड है तो टू बी आ जाएगा, टू की टू बी, टू प्लस फॉर्म है तो टू बी प्लस वर्क की थर्ड फॉर्म हो जाएगी ओके। चलिए नेक्स्ट, ये इन्फिनिटिव है ओके। अब देखो ये वाला सेंटेंस देख लो, इट इज टाइम टू बोर्ड द ट्रेन, स्ट्रक्चर होता है इट इज टाइम, तो क्या हो जाएगा, फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू की वर्क, इट इज टाइम फॉर द ट्रेन, द ट्रेन के ऑब्जेक्ट है ठीक है, टू बी बोर्डेड, इट इज टाइम फॉर द ट्रेन टू बी बोर्डेड ठीक है। सिमिलरली इट इज टाइम टू रीड नॉवल्स, तो इट इज टाइम फॉर नॉवल्स टू बी रीड ठीक है। मतलब जब भी इस टाइप सेंटेंस आते, इट इज टाइम पहले लगा देना, फॉर आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट नॉवल्स है, और टू की भी प्लस वर्क की थर्ड फॉर्म से लिया। इट इज़ टाइम टू ऑपरेट कंप्यूटर, तो इट इज़ टाइम फॉर आ जाएगा, कंप्यूटर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, टू बी ऑपरेटेड, सिंपल है, ऐसे करना है बस, स्ट्रक्चर याद रख लेना आप, ये वाला स्ट्रक्चर याद रख लेना बस आप ठीक है। इट इज़ टाइम फॉर ऑब्जेक्ट प्लस टू की वर्क, तो इट इज़ टाइम टू ऑपरेट कंप्यूटर, तो इट इज़ टाइम फॉर आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, टू बी ऑपरेटेड, इट इज़ टाइम फॉर नॉवल्स टू बी रीड, इट इज़ टाइम फॉर द ट्रेन टू बी बोर्डेड ओके, ऐसे करना है। चले नेक्स्ट, ये स्ट्रक्चर याद रख लेना। पार्टिसिपल आ गया तो क्या करना है, जैसे ये देखो आई सॉ हिम फ्लाइंग अ काइट है, आई सॉ हिम पार्टिसिपल क्या होता है, फ्लाइंग, ये स्ट्रिंग की पार्टिसिपल होता है ठीक है। मैं तभी आपको सारा करा रहा हूँ एक्टिव से, तो कोई भी एग्जांपल छूटे ना, कोई भी एग्जाम है तो आप सब कर दो। तो आई सॉ हिम फ्लाइंग अ काइट है, तो आई सॉ अ काइट बींग फ्लोन बाय हिम, आई सॉ अ काइट, काइट ऑब्जेक्ट है वही है, आई एन जी आ गया तो बींग आ जाएगा, वर्क थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट, वही चीज ओके। सिमिलरली दे सो हिम स्टीलिंग अ कार, स्टीलिंग आ गया तो बींग आएगा ही आएगा ओके। स्टोलन वर्क की थर्ड फॉर्म होती होती है, बाय प्लस सब्जेक्ट, तो दे सो द कार, सब्जेक्ट क्या है मतलब ऑब्जेक्ट है, द कार है तो पहले आ जाएगा, तो दे सो द कार बींग स्टोलन बाय हिम, दे सो हिम स्टीलिंग कार, तो दे सो द कार बींग स्टोलन बाय हिम, ये पार्टिसिपल है, आई एन जी पार्टिसिपल है, तो ऐसे करना है ओके। बाकी ये तो पता लगे ना, आई एन जी तो बींग लगा देना, आई एन जी तो बींग आएगी, और हैज हैव आ गया तो बीन आ जाएगा, बी डबल ई एन वाला बीन ओके। नेक्स्ट देखते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस आएंगे वो देख लो, देखो प्लीज हेल्प हिम आ गया तो प्लीज का यूज हुआ है, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी हो जाएगा। शट द डोर है, जब भी ऐसा सेंटेंस शट द डोर, तो लेट से स्टार्ट करना, लेट द डोर बी शट ठीक है। स्टैंडर्ड इज है, तो ये ऑर्डर दे रहे, तो यू आर ऑर्डर टू स्टैंडर्ड इज ठीक है, ये आपको पता लगाना। जब प्लीज आ गया तो रिक्वेस्ट का यूज होगा, शट द डोर आ गया तो शट द डोर आ गया, तो लेट से स्टार्ट हो जाएगा, लेट द डोर बी शट। स्टैंडर्ड इज है, ऑर्डर दे रहे हैं, तो यू आर ऑर्डर टू स्टैंडर्ड इज ठीक है, यू आर रिक्वेस्ट टू हेल्प मी, ये सिंपल होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं इसको ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस याद रखना ठीक है। अब जैसे काइंडली आ गया, काइंडली तो या प्लीज का ही शब्द हो रहा है, काइंडली मतलब प्लीज ही तो होता है, तो यू आर रिक्वेस्ट टू बोल द डोर, सिमिलरली है, सेम है ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। लाइट द गैस है, तो लेट द गैस बी लाइटेंड। शट अप है, तो यू आर ऑर्डर टू शट अप, जैसे शट द ना, जैसे यहाँ पर शट द डोर है, यहाँ पर वो ऑर्डर ऑर्डर कुछ नहीं है, यहाँ पर ऑर्डर का काम हो रहा है, शट अप
तो यू आर ऑर्डर टू शट अप, ओके ऐसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ देखो, तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या होगा, लेट मी टेल यू, तो लेट वाले सेंटेंस हो गए, तो लेट मी टेल यू द ट्रूथ है, तो लेट ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्किंग थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है, देखो लेट द ट्रूथ बी टोल्ड टू यू बाय मी, क्यों हुआ, लेट द ऑब्जेक्ट द ट्रूथ है, द ट्रूथ बी, बी तो आ गया, वर्किंग थर्ड फॉर्म थर्ड है, टू यू बाय प्लस सब्जेक्ट, समझ में आ गया आपको कैसे करना है, ये वापस बताता हूँ आपको मैं, देखो ये कैसे करना है, ये आपको पहले स्ट्रक्चर याद रखना है कि लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्किंग थर्ड फॉर्म प्लस बाय फॉर सब्जेक्ट होता है, तो लेट मी टेल यू द ट्रूथ है, तो लेट द ट्रूथ बी टोल्ड, लेट द ट्रूथ ऑब्जेक्ट हो गया द ट्रूथ, बी प्लस वर्किंग थर्ड फॉर्म टोल्ड होगी, टू यू बाय मी सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। लेट मी शेयर द सीक्रेट, तो लेट द सीक्रेट ऑब्जेक्ट आ गया, बी शेयर्ड बाय मी, ओके आगे समझ में आ रहा होगा आपको, तो ये ऐसे करना है, ये लेट वाले सेंटेंस से स्टार्ट होता है, ठीक है। लेट का तो ऐसे करना है आपको, या आप स्ट्रक्चर याद रखना बस, ठीक है, स्ट्रक्चर याद रखना। अगला देखो, अब देखो ये कुछ एक्सेप्शन होते हैं, ये थोड़े टिपिकल होंगे थोड़े, बस अब याद रख लेना कि अगर इस इन केस ऐसा आ जाए, वैसा आता नहीं है, इन केस आ जाए, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ ना, आपको कंप्लीट मैं एक्टिव पैसिव करा रहा हूँ, तो इन केस आ जाए तो आप ऐसे कर लेना उसको, जैसे मैंगो टेस्ट स्वीट है, तो मैंगोज आर स्वीट व्हेन दे आर टेस्टेड, मैंगोज आर स्वीट व्हेन दे आर टेस्टेड, अब मैंगो टेस्ट ये ऐसा देगा यहाँ पर टेस्ट स्वीट, तो मैंगोज इज स्वीट व्हेन इट टेस्टेड, मैंगो इज स्वीट व्हेन इट टेस्टेड, अब मैंगो टेस्टेड स्वीट आ गया, तो मैंगो वर स्वीट व्हेन दे आर टेस्टेड, मैंगो वर स्वीट व्हेन दे आर टेस्टेड, व्हेन दे वर टेस्टेड, और मैंगो टेस्टेड, तो मैंगो वॉज, ये मैंगोज है यहाँ पर इसलिए वर आया, या मैंगो है तो वॉज आ गया, तो मैंगो वर स्वीट व्हेन इट वर टेस्टेड, ये याद रख लेना, इतना कोई प्रेशर नहीं है ना, ऐसा नहीं आएगा आपके, बिटवी मैंने आपको करा दिया है, इनकेस कुछ हो जाए ऊपर नीचे, ठीक है, आ जाए ऐसा, तो आप ऐसे कर लेना, ठीक है, मैंने आपको बता दिया, तो आप ये याद कर लेना यहाँ सर, ठीक है। जैसे याद है, दिमाग मत लगाना, कोई रूल वूल नहीं है इसका, जैसे आप दिमाग मत लगाना, ठीक है, आप सीधा याद कर लेना इसको, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, बस ऐसे याद कर लेना आप। हाँ अब देखो ये क्या है, ये आपको मेरे को बताया कि आपका ऑफिशियल पेपर था, ये मेरे को बताया ना, तो अब ये कुछ जो आपके आए पेपर बार्क में, वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। जितना भी पूरा कर लिया आपने, पूरा एक्टिव पैसिव आपका पूरा एक्टिव पैसिव कंप्लीट होता है, पूरा आपका एक्टिव पैसिव पूरा कंप्लीट होता है, मैं आपको अश्योर करता हूँ आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे, आप कोई क्वेश्चन दिक्कत नहीं आएगी, कहीं भी आप स्टक नहीं होंगे, ठीक है, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका ऑफिशियल पेपर है बार का, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी इसकी पीडीएफ, तो देखो हम आपको सॉल्व कराता हूँ, ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन आए थे आपके एक्टिव पैसिव के, ठीक है। देखते हैं, देखो पहला क्वेश्चन देखो आप, मोना वाज राइटिंग अ लेटर, मोना वाज राइटिंग लेटर, आपने क्वेश्चन देखा सीधा, आपने देखा कि वर्क पे आईएनजी है, आईएनजी है यहाँ पर, तो देखो आई बीइंग कहाँ दिख रहा है, फोर्थ में नहीं दिख रहा, फोर्थ गलत, किस में दिख रहे हैं, किसी में नहीं दिख रहा, सिर्फ सी में दिख रहा, तो सी इज द आंसर, सी इज द आंसर। पहले आपको ऐसा करना, ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना, क्या मोना वाज राइटिंग अ लेटर है, क्वेश्चन ये था एक्टिव में, क्या दे रखा है, वॉज राइटिंग, तो आपने क्या देखा, किसने क्या था, वर्क की आईएनजी आ गई, वर्क की आईएनजी आ गई, तो क्या हो जाएगा, वॉज बींग रिटन बाय मोना टू हर बाय फादर, टू हर बाय मोना टू हर फादर, सीधा है, ठीक है, बाय प्लस वो मैंने आपको सब बताया, ठीक है। इस क्वेश्चन में ये ऐसे करना है सीधा सीधा, ठीक है, तो आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, बस आप ये देखना है कि आईएनजी आ गई तो बींग लगा देना, ठीक है, बाकी जो कि बाकी तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो वर्क आईएनजी आ गई, वाज राइटिंग अ लेटर, तो क्या हो जाएगा, वाज बींग रिटन बाय मोना टू हर फादर, ओके, अ लेटर ऑब्जेक्ट है, अ लेटर है तो ऑब्जेक्ट पहले आता है, ठीक है, बाकी सब तो आपको बताइए, ओके, वाज बींग, क्यों, क्योंकि आईएनजी है तो बींग का यूज़ करेंगे, ओके। अब देखो अगला, देखो फ्रेंड्स ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 42 आपका मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब मैं आपको खुद बताऊंगा कि ये कैसे करोगे आप, ठीक है, मैंने आपका भी वीडियो देखी है आपने पूरी, तो आप खुद करना, आप खुद कहोगे कि सर ने ये कराया। देखो अब देखो, ही टीचिस अस ग्रामर, ही टीचिस अस ग्रामर, ठीक है, क्या होगा, ए बी सी डी जल्दी बताओ, कर लिया होगा। देखो पहले मैं आपको उस सेंटेंस पर ले जाता हूँ, ठीक है, जहाँ ये सेंटेंस है, फिर आप खुद कहोगे कि सर आपने जो कराया वही आया। देखो मैं आपको दिखाता हूँ वो कहाँ है, थोड़ा वेट करना फ्रेंड्स, देखो जैसे ये है, ये दिख रहा है आपको, तो यही वाला केस है, वो यही वाला केस है। मैंने आपको क्या बताया कि हु गेव यू दिस बुक, हु गेव यू दिस बुक, तो मैंने आपको क्या कहा कि फर्स्ट वाला प्रिफर करेंगे, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट हैं, यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट हैं, सो तो मैंने आपको कहा कि पहला ही इसका आंसर होगा, दूसरा नहीं होगा, अगर पहला नहीं हुआ फिर दूसरा होगा, तो कैसे पता लगेंगे पहला, मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे यू आ गया तो यू वो पर्सन वाला लेना है, तो बाय हुम वर यू गिवन दिस बुक, और बाय हुम वॉज दिस बुक, ये
सेकंड वाले दो ऑब्जेक्ट हैं, तो पहले यू वाला ले लिया फिर दिस वीक वाला ले लिया। अब देखो मैं आपको कराता हूँ उसी में, आप खुद कहोगे कि सर हाँ। देखो ही टीचेस अस ग्रामर, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है अस भी है और ग्रामर भी है, दोनों ऑब्जेक्ट हैं अस भी है ग्रामर भी है, तो क्या होगा? देखो दूसरा तीसरा तो वैसे नहीं होगा। देखो अब आंसर क्या होगा, ए ओ डी में होगा, आंसर ए ओ डी में होगा, ए एंड डी दोनों सही हैं। देखो आप देखोगे तो जैसे वी आर टॉट अस का है तो अस को लेके करेंगे तो वी आर टॉट ग्रामर बाय हिम, वी आर टॉट बाय, और दूसरा देखो ग्रामर को लेंगे तो ग्रामर इज टॉट टू अस बाय हिम, दोनों सही है, बट इसका आंसर डी होगा। इसका आंसर तो मैं बताता सी होगा, इसका आंसर डी होगा, सीधा सीधा डी होगा। क्यों होगा? मैंने आपको बताया कि इस केस में जो पर्सन वाला है ना, जब मैंने आपको बताया ऑब्जेक्ट जो अगर जैसे थिंग वाला है जैसे इस टाइप का ही है, जैसे मैंने कहा दिस बुक वाला है तो उसको प्रेफर नहीं करेंगे, तो सिमिलरली इसमें ग्रामर को प्रेफर नहीं करेंगे, अपने अस वाले को प्रेफर करेंगे, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, वी आर टॉट ग्रामर बाय हिम। आया ना सेम क्वेश्चन सेम, तो ज़्यादातर इसमें स्टूडेंट्स ए करके आएंगे पर वो गलत हो जाएगा, ए रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर ए रॉन्ग हो जाएगा, इसका आंसर डी होगा, तो वी आर टॉट ग्रामर बाय हिम। समझ में आ गया, अच्छी तरह आ गया, ठीक है। अगला देखो, डू यू इरिटेट अदर्स, डू यू इरिटेट अदर्स क्या होगा? देखो वर है तो सेंटेंस वर में तो है ही नहीं, पांच में तो नहीं, सी गलत हो गया, डी भी गलत हो गया, ठीक है, बी बीइंग आई एन जी है तो एक्टिव में तो कहीं आई एन जी दिख नहीं रही, कहने का मतलब ये क्या बता रहा हूँ मैं आपको, आई एन जी नहीं दिख रही तो ये तो ए आंसर हो जाएगा इसका, सीधा सीधा ए आंसर, ए इज द आंसर। आर अदर्स इमिटेट इरिटेट बाई यू, आर अदर्स इरिटेट बाई यू, सीधा हो जाएगा, ठीक है, ऐसे देखा करो आप सीधा, ठीक है, क्योंकि सेंटेंस में आपको जो एक्टिव में दे रखा है वो ना तो प्रेजेंट पास्ट में ना किसी में कुछ में नहीं है, किसी में भी नहीं है, तो तीनों आंसर वैसे ही गलत हो गए, ठीक है, तो पहला इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और 42 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बार बार बता दिए, ठीक है, तो आप अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप रिकॉर्डेड वीडियो है ये, ठीक है, तो आप समझ लेना वापस पीछे करके, ठीक है, जो मेरे को बताया, ठीक है। अगला देखते हैं, हैव द बॉक्स ब्रोकन, हैव द बॉक्स ब्रोकन, देखो बी आंसर क्यों नहीं होगा, ब्रेक द बॉक्स है, ये सीधा सीधा है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई इंपेरेटिव सेंटेंस की तो टोन आ नहीं रही है, तो बी गलत हो जाएगा, ठीक है। दे ब्रोकन द बॉक्स, गेट समवन टू ब्रेक द बॉक्स, हैव द ब्रोकन बॉक्स, देखो अब देखो हैव द बॉक्स ब्रोकन, हैव द ब्रोकन बॉक्स तो वैसे ही गलत हो गया, ओके, क्या हो जाएगा इसका आंसर, सी इज द आंसर, गेट समवन टू ब्रेक द बॉक्स, गेट समवन टू, जब भी ऐसा आ जाए तो समवन वाला लगाना है आपको, गेट समवन टू ब्रेक द बॉक्स, समझ में आ गया आपको कि नहीं, समझ में आ गया, तो ये अच्छा क्वेश्चन था थोड़ा, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया क्या, वेट करना, देखो तो जब भी ऐसा आ जाए हैव द ब्रोकन आर द बॉक्स ब्रोकन, तो हैव द ब्रोकन बॉक्स तो वैसे ही होगा, ब्रेक द बॉक्स वैसे ही, ये इंपेरेटिव वाला तो है ही नहीं सेंटेंस, ठीक है, तो किसी कि गेट समवन टू ब्रेक द बॉक्स, गेट समवन टू ब्रेक द बॉक्स, ओके, समझ में आ गया। अगला देखो, इसका आंसर सही हो जाएगा, ओके, रेन डिस्टर्ब्ड द लास्ट डे प्ले बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। अब देखो पहली बात तो देखो डी क्यों रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वर है, ये वैसे ही रॉन्ग हो जाएगा, और फर्स्ट टू देखो आप, फर्स्ट टू में क्या लिखा है, इंडिया एंड श्रीलंका, तो वैसे ही हाँ, तो सीधा क्या होगा, पहला देखो आप द लास्ट डे ऑफ प्ले ऑफ इंडिया श्रीलंका वाज डिस्टर्ब्ड बाय रेन। अब देखो जो ए है उसमें क्या लिखा, द लास्ट डे प्ले ऑफ इंडिया, बिटवीन नहीं है, तो पहला वैसे ही गलत हो गया, और दूसरे में क्या लिखा है, ये तो वैसे ही पूरा गलत है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, क्या, द लास्ट डे प्ले बिटवीन इंडिया श्रीलंका वाज डिस्टर्ब्ड बाय रेन, तो सी इज आंसर, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो लास्ट डे है तो इसको देख के आएगा यहाँ पर वर्ब, ठीक है, तो लास्ट डे है सिंगुलर है तो वर वाज आ जाएगा यहाँ पर, वर मत लगा देना, तो उसका आंसर सी हो जाएगा, ओके, तो लास्ट डे प्ले बिटवीन इंडिया श्रीलंका वाज डिस्टर्ब्ड बाय रेन, समझ में आ गया। अगला देखो, हैज़ हिज पॉकेट हैज़ बिन पिक्ड, हिज पॉकेट हैज़ बिन पिक्ड, तो मैंने आपको बताया जब भी ऐसे सेंटेंस है तो क्या लगाना है, क्या लगाना है, समवन हैज़ पिक्ड हिज पॉकेट, ठीक है, जब कोई स्पेसिफाई है ना, हैज़ हिज पॉकेट हैज़ बिन पिक्ड, किसके द्वारा क्या है, तो समवन से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब याद रहना ये किस में, ये पहले से पैसिव फॉर्म में दे रखा है, याद रखो हैज़ बिन पैसिव फॉर्म में दे रखा है, तो ये एक्टिव हो जाएगा, तो जब एक्टिव में सेंटेंस आएगा समवन हैज़ पिक्ड हिज पॉकेट, Someone has picked his pocket, तो क्या हो जाएगा, His pocket has been picked, समझ में आ गया ना, क्योंकि ये किस में दे रखा है, ये पहले से पैसे में दे रखा है, ये एक्टिव में कन्वर्ट करना है, अगर ये एक्टिव होगा Someone has picked his pocket, तो has been लगा देंगे ना, तो his pocket ऑब्जेक्ट पहले आएगा, His pocket has been picked by, बस सीधा आ जाएगा, कोई ऐसे नहीं आएगा, ठीक है, by him वो सीधा Someone में इंक्लूड हो गया, ओके, तो उसका आंसर डी हो जाएगा। अगला देखो, इट इज़ टाइम टू रिंग द बेल, तो मैंने आपको बताया इट इज़ टाइम से स्टार्ट होगा, तो इट इज़ टाइम फॉर द बेल टू बी रंग, ठीक है, डी इज़ आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया ना, जल्दी बताता हूँ, जैसे ये इट इज़ टाइम फॉर नोबल्स टू बी रीड, इट इज़ टाइम फॉर द रेन टू बी बोर्डेड, तो सिमिलरली यहाँ पे भी यूज़ करेंगे अपने, इट इज़ टाइम फॉर द बेल टू बी रंग, ठीक है।
पूरा क्लियर हो गया आपको? सो आई होप आपको समझ में आएगा। ये सेशन अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे आपका पूरा एक्टिव पैसिव खत्म होता है और आपका ये पूरा जो भी पेपर आया थे, जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पे पूरे करा दिए, ठीक है? सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे होम। बाय बाय।